नमस्कार, मैं अंजू दुआ जैमनी, आपकी दोस्त, आज लाई हूं एक कहानी टिश्यू पेपर। अक्सर पद का गुमान बहुत लोगों को हो जाता है, इसी के इर्द गिर्द मेरी इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। टिश्यू पेपर। चंद्रिका गोस्वामी एक बहुत बड़ी अधिकारी थी। पूरे कार्यालय में उसका दबदबा था। अधीनस्थ कर्मचारी उसके सामने आने से कांपते थे। अधीनस्थों से कैसे काम लिया जाता है उसने ट्रेनिंग में खूब अच्छे से सीखा। गरीबों को एक मीठा और एक नमकीन खिलाना है तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जाओ एक मीठा और एक नमकीन ले आओ 11 के हिसाब से, जल्दी जाओ। और वे बेचैन होकर कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगी। देव गया और आधे घंटे के अंदर अंदर वह सारा सामान ले आया और बाहर बैठे चपरासियों को डरा धमका कर, क्योंकि सब जानते थे मैडम चिल्लाती है, तो उसने डराया धमकाया और कहा तो तुम नहीं जाओगे तो मैडम तुम्हें बहुत गुस्सा होगी, सब एक एक करके कमरे में जाओ। सब एक एक करके कमरे में डरते दुबकते अंदर गए। मैडम ने जो भी आता मैडम उसे बोलती एक बर्फी उठाओ, एक आलू बोंडा उठाओ और कमरे से बाहर जाओ। ऐसे करके 11 चपरासियों को उसने यह सामान बांटा और वह थोड़ी संतुष्ट हो गई कि चलो अब आई बला टल गई। शाम को जब मैडम कमरे से बाहर निकलने लगी, दफ्तर बंद होने का समय आया, उसने टिश्यू पेपर लिया और अपना माथा पोंछते हुए वह कमरे से बाहर आ गई। बाहर उसने डस्टबिन खोला, वे क्या देखती हैं कि सारे बोंडे और सारी बर्फियां डस्टबिन के अंदर थे। उन्हें तो मानो गश पड़ गया। वह जोर से चिल्लाई, देव देव देव, यह क्या हो, यह क्या, यह क्या। धन्यवाद।